आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया गया है CuSO4.5H2 के नील रंग को समझाइए कि इसका रंग क्यों होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि कॉपर सल्फेट .5H2O की बात करी जाए, ठीक है, तो यहां पे जो कॉपर उपस्थित है, क्योंकि सल्फेट पे -2 आवेश होता है, ठीक है, सल्फेट पे -2 आवेश होता है, अतः कॉपर पे यहाँ पे +2 आवेश है, सल्फेट पे -2 तथा जल जो होता है वो उदासीन होता है, तो कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। यदि कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, +2 मतलब इसके अंदर कितने 27 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s0, ठीक है, इस प्रकार का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कुल 27 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इसमें सभी कोष पूर्ण पूरित हैं, केवल अंतिम 3d उपकोष को छोड़कर। 3d उपकोष में 9 इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि 3d उपकोष की यदि यहाँ पे बात करें हम, जिसमें कि 9 इलेक्ट्रॉन है, ये d उपकोष है, d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है, तो यदि 5 कक्षकों में 9 इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो किस प्रकार की व्यवस्था दिखेगी हमें? सबसे पहले हुंड के नियम के अनुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, वो भी समान चक्रण वाला, उसके बाद युग्मन होता है, ठीक है, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है ये बचा रह जाता है। अब 5H2O जो कि जल के अणु है, ठीक है, इन 5H2O के उपस्थिति के कारण इसके डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाता है? विपाटन हो जाता है, ठीक है, H2O की उपस्थिति के कारण डी कक्षकों की ऊर्जा का विपाटन हो जाता है, जिसमें से कुछ कक्ष उच्च ऊर्जा वाले हो जाते हैं और कुछ कक्ष निम्न ऊर्जा वाले रहेंगे, ठीक है। अब इन उच्च ऊर्जा तथा निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों के मध्य जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा कक्षकों के मध्य संक्रमण करने के कारण, ठीक है, जिसको हम डीडी संक्रमण भी कहते हैं, विपाटित कक्षकों में संक्रमण या जिसे डीडी संक्रमण भी कहा जाता है, संक्रमण के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, जिसके कारण ये विशिष्ट तरंग दैर्ध्य जो होती है, इसी के कारण इसका रंग नील रंग होता है। तो नील रंग होने का, इसके द्वारा नील रंग दर्शाने का जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण है यहाँ पे डीडी संक्रमण। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।